कल 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने भारत के नौजवानों के लिए 21वीं सदी की कल्पना की थी और एक ऐसे सपनों के आकाश में उन्होंने रंग भरा जहां पर आज हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान आईटी क्रांति के माध्यम से पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उन बच्चों का लोहा माना जा रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को आज कोई अगर टेका लगा रहा है तो वो राजीव गांधी की यही संचार क्रांति लगा रही है। कल हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी के इसी सपने को लेकर और जो उनके पास विजन है, दृष्टिकोण है लोगों को रोजगार देने का, उसको लेकर कल प्रदेश के सारे नौजवानों से वो रूबरू होंगे वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से और हजारों लाखों नौजवानों को वो संबोधित करेंगे। आज ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब चुनाव सामने आते हैं झूठे वादे लेकर सामने आ जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 साल राज किया और 15 साल में इन्होंने 15 लाख मजदूरों का उत्पादन किया। आज मध्य प्रदेश में वो 15 लाख मजदूर लौट कर आए हैं और उन्हें मजदूरी भी देने की काबिलियत इस सरकार के पास नहीं है। वो 100% रोजगार, 100% नौकरियां देने का वादा कर रही है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरियां कहाँ हैं? रोज नौकरियां खत्म कर रहे हैं, रोज नौकरियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आज रेलवे से लेकर सारी जगह और मध्य प्रदेश में भी सारे विभागों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं। 13,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नौकरियों का झांसा और नौकरियों के झूठे सपने दिखाकर मध्य प्रदेश की सरकार राजनीति करने की कोशिश कर रही है। इसे जो है अमली जामा पहनाए, पहले कानून लाए सरकार, उसके बाद झांसा दे, तब सरकार जो उसके बाद घोषणा करे, तब जो है इसको कांग्रेस पार्टी मानेगी, अन्यथा ये युवकों को भ्रम में डालने और उन्हें झूठे सपने दिखाने जैसा होगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।